हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तरह का। दोस्तों, हमने अपनी नेक डिज़ाइनिंग बनाने के लिए जो पेस्टिंग बुकरम ली है उसकी जो हम यहाँ पर चौड़ाई रख रहे हैं वो 8.5 इंच के आसपास रख रहे हैं और जो यहाँ पर हम लंबाई रख रहे हैं वो यहाँ पर 6 इंच रख रहे हैं। अब हम इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम ऊपर सीधी साइड यानी कि ऊपर की साइड में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम अपने नेक का निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो नेक की चौड़ाई रख रही हूँ वो 2.5 इंच पर रख रही हूँ और जो मैं यहाँ पर लंबाई रखूँगी वो 5 इंच पर। इस तरह से मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी और इस तरह से निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से हमें यहाँ पर बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पर हम अपने नेक की शेप यहाँ पर दे देंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर नेक की शेप दे दी है। अब इसके बाद यहाँ पर 1-1 इंच का इस तरह से मार्जिन रखते हुए यानी कि इस तरह से 1 इंच हम यहाँ पर चौड़ी पट्टी इस तरह से रखते हुए इस तरह से निशान अपने लगा लेंगे और ये निशान लगाने के बाद हम अपने नेक की शेप को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने नेक की शेप को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपने नेक की अब कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने नेक की दोस्तों कटिंग कर अपने नेक को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम अपने नेक की कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। तो दोस्तों, जो नेक की कटिंग होने के बाद हमारे शेप आएगी कुछ इस टाइप में आएगी। अब इसके बाद दोस्तों हम फिर से एक एक्स्ट्रा बुकरम जो भी आपके पास हो इस तरह से उस पर एक कैप रखते हुए यानी कि ढक्कन रखते हुए बिल्कुल गोल सर्कल बना लेंगे इस नाप का और इस तरह से उसके बाद इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेती हूँ और इस तरह से राउंड शेप निकालते हुए यानी कि इस तरह से राउंड शेप देते हुए हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से बीच में से यहाँ पर हम अब अपनी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये कटिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा शेप इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों को हम गर्म प्रेस से कपड़े पर चिपका लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों को इस तरह से चिपका लिया है और अपनी कुर्ती को इस तरह से यानी कि जो हमारी कटी हुई कुर्ती है उस पर अपना नेक इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर अंदर इसकी सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिल देंगे। और इसको भी दोस्तों जो हमारे अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए हम इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से इस तरह से अपना थोड़ा सा कपड़ा कट कर देंगे और यहाँ पर अंदर हल्के हल्के कट लगा लेंगे जिससे हमारा फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो इस तरह से हम हल्के हल्के कट लगा देंगे और सिलाई करते हुए इसे भी हम फोल्ड कर देंगे यहाँ से बीच में से और बीच में करने के बाद ये साइड का कपड़ा भी इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। तो हम सबसे पहले अपने नेक के इस कपड़े को फोल्ड करते हैं और हम यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, ये सिलाई हम बाद में उधेड़ देते हैं जब हमारा नेक कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी कच्ची सिलाई होती है तो हम इस तरह से यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने इस कपड़े को अपने बुकरम पर फोल्ड करते हुए। अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी कुर्ती लेंगे और कुर्ती को नेक पर रखते हुए आप पिनअप भी कर सकते हैं और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो अपने नेक को हम अपनी कुर्ती से यहाँ पर सिलते हुए अटैच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी इस तरह से इसको किनारे किनारे बुकरम पर यानी कि बुकरम छोड़ते हुए हमें कपड़े के किनारे पर इस तरह से सिलाई लगानी है। याद रखिए, आपकी सिलाई बुकरम पर बिल्कुल भी ना हो वरना आपके गले की शेप में चेंजेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसे भी सिलते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। अंदर से भी हम सिलाई लगा लेंगे और बाहर से भी सिलाई लगाकर इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये सिलकर तैयार कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच के लगभग कपड़ा छोड़ते हुए और हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर हम हल्के हल्के नोचेस लगा देंगे इस तरह से। याद रखिए, सिलाई आपकी नहीं कटनी चाहिए
और ये नोचेस लगाने के बाद अपने नेक को हम सीधी साइड में इस तरह से पलट लेंगे, यानी कि अब सीधा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये इसको सिलकर सीधा कर कर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर इस तरह से, और जब हम यहाँ पर किनारे किनारे इस पर सिलाई लगाएंगे तो हम इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पर भी सिलाई इस पर लगा देंगे। तो हमें इसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है पहले, फिर इसके बाद इसे अटैच करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सिलकर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से, और इसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से स्टोन लगा दिए। आप खुद देख सकते हैं हमारी नेक डिज़ाइन देखने में बहुत प्यारी लुक दे रही है, कुछ यहाँ पर डिफरेंट लुक आपको नज़र आ रही होगी। और इस तरह से आप अपने नेक डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। आप खुद देख रहे हैं थोड़ा यहाँ पर हमारा जो नेक डिज़ाइन बना है बिल्कुल डिफरेंट लुक में आया है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस तरह के वीडियोस आइडियाज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।